Hey guys, this is me, Piyashri Rao, and welcome back to my channel. आज मैं आप लोग साथ बात करने वाली हूँ मेरे मेकअप रूटीन के बारे में. आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो भी मेकअप करती है वीडियो के लिए आप प्लीज़ मुझे बताइए. तो मेरा मेकअप एकदम सिंपल होता है, बट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोग साथ शेयर कर दूँ. आप में से कमेंट भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे कि प्लीज़ वो मेकअप रूटीन शेयर कीजिए. तो मेरा डेली का मेकअप सेम ही होता है, बस जो मेरा ब्लश होता है वो मैं थोड़ा चेंज करती हूँ. अदर देन दैट मैं कुछ भी जो है स्पेशल नहीं करती हूँ, एंड लिपस्टिक शेड चेंज होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप रूटीन. तो मैंने ऑलरेडी अपना स्किन केयर कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने स्किन केयर की वीडियो नहीं देखी नेचुरल स्किन केयर की, तो प्लीज़ आप आई बटन में या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं. एंड जो उसके बाद स्किन केयर के बाद जो मैं अप्लाई करती हूँ, दैट इज ओले नेचुरल वाइट क्रीम. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रीम. और आपने से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ये क्यों यूज़ करते हो, बिकॉज ये जो स्किन पर एकदम से फ्रेशनेस लेके आ जाते हैं और ये मेरी स्किन टोन से काफ़ी मैच करता है. दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस. एंड दिस इज अ इंस्टेंट ग्लो फेयरनेस क्रीम. इसका फुल रिव्यू भी मेरे चैनल के ऊपर है. बहुत टाइम पहले आया था, तब से ये मेरी क्रीम जो है फेवरेट बन गई है. मेरे पास 40 ग्राम की ट्यूब है एंड द प्राइस ऑफ दिस इज 189 रुपीज़. और ये 100 रुपीज़ के अंदर भी आते हैं, आई थिंक 99 रुपीज़ इसका प्राइस है. तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट इस क्रीम का लूँगी, लाइक दैट मच. और ये जो अमाउंट है ये मेरे स्किन पे और नेक पर दोनों के लिए पूरा रहेगा. ओके, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी ऐसे डॉट करके. कुछ लोगों का कहना होता है कि ये क्रीम यूज़ करने के बाद उनकी स्किन के ऊपर जो है पिंपल्स निकल आए हैं. एज सच मुझे इतना देखने को कुछ नहीं मिला है कि मेरे स्किन पर पिंपल निकल आए हैं. और मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरीके की क्रीम यूज़ करने से आपकी स्किन पर पिंपल निकलेंगे. हालांकि कुछ को हो भी सकते हैं, अगर उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में सेंसिटिव हो सकती है. तो अदरवाइज ये जो क्रीम है वो काफ़ी अच्छा है. कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं एंड स्किन के ऊपर एक बहुत अच्छी चमक लेके आता है. बेस्ट बात इसकी ये है कि इसके अंदर आई थिंक कुछ सिलिकॉन बेस्ड चीज़ डाली गई है, जिससे जो मेरे पोर्स है वो इन्हांस नहीं होते हैं एंड जो ग्लो है वो काफ़ी अच्छा स्किन के ऊपर आ रहा होता है. ये वो ग्लो नहीं है जो आप फाउंडेशन वाली लेयरिंग जो होती है ना स्किन के ऊपर, वो दिखाई नहीं देती है. आपकी स्किन मेरी स्किन ही लग रही होती है, बट काफ़ी फ्रेश फील कर रही होती हूँ मैं. अच्छा, दूसरी चीज़ ये इसके अंदर यूवी प्रोटेक्शन भी है. सो वो भी बेस्ट बात है, आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो आप देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद स्किन काफ़ी फ्रेश फील कर रही होती है, अच्छा लग रहा होता है. एंड जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है मेरा लिप टिंट का. सो मैं जो यहाँ पर है द फेस शॉप का लिप टिंट यूज़ कर रही हूँ. बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे पास इसके ढेर सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप चाहते हैं तो मैं उसका रिव्यू जरूर करूँगी एंड शेड नेम वन बाय वन बता दूंगी. बट राइट नाउ आई एम यूजिंग द दिस इज़ अ वाटर टिंट. जो कलर है वो है कॉरल कलर और ये काफ़ी सुंदर सा कलर है. मेरे फेस से काफ़ी वो मतलब फेस के ऊपर काफ़ी जच रहा होता है ये. तो मैं इसका काफ़ी सारा अमाउंट लगाती हूँ. तो फर्स्टली मैं यहाँ से ट्राई करूँगी एंड इसको बहुत जल्दी ब्लेंड करना होता है. अगर आप बहुत जल्दी ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये स्किन के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, ये पैचिंगस दे देता है थोड़ा सा ना. तो दिस इज़ अ लिप एंड चीक कलर, बट मैं इसको चीक के लिए यूज़ करती हूँ, मैं इसको लिप के लिए यूज़ नहीं करती हूँ बेसिकली. और ये एकदम फ्रेशनेस वाला ग्लो देता है. ये ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ब्लशर लगाया है, वो जो एक नेचुरल हिंट होता है ना हल्का सा कलर स्किन के ऊपर, वो ही दे रहा होता है. अ टिंच ऑफ कलर आप बोल सकते हैं. एंड हल्का सा नोज पे भी लगाएंगे ताकि वो इवनली लगे, ऐसा लगे कि आपका जो फेस है वो नेचुरली ऐसे ग्लो कर रहा है. मैं थोड़ा सा इसको चिन पर भी लगाऊंगी, जस्ट माइनर सा हो गया. एंड देन नेक्स्ट फाइनल स्टेप इज काजल. और काजल लगाने का अपना अपना तरीका है, मैं थोड़ा नीचे से अप्लाई करती हूँ. एंड तो चलिए मैं काजल अप्लाई कर लेती हूँ. ओके, काजल जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्टेक वर्की एंड दिस इज़ वेरी नाइस काजल. बहुत ही अफोर्डेबल है एंड जो है स्मज नहीं होता जल्दी से एंड वेरी जेट ब्लैक है. सो
ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड मैं बस सिर्फ काजल अप्लाई करती हूँ, आई लाइनर बहुत कम रेगुलर बेसिस पे मैं आई लाइनर प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मेरी आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा यू नो एकदम ज़्यादा डरावनी से लगने लग जाएंगी, दैट इज़ वाई। और लास्ट जो स्टेप है वो मेरा है लिपस्टिक का। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग लैक्मे 925 वेटलेस मैट मूज लिप एंड चीक कलर। इसको आप चीक पर भी यूज कर सकते हैं। एंड मेरा जो शेड है वो है प्लम फैदर, क्योंकि प्लम फैदर शेड जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा है। एंड इसको अप्लाई करने का सबका सबका तरीका अलग है। मैं ऑलरेडी लिप बाम लगा चुकी थी, सो जो लिपस्टिक है वो मैं बहुत कम अमाउंट में लगाऊंगी, लाइक दिस एंड दिस, क्योंकि ये बहुत ही डार्क शेड है तो बड़ा अजीब लगता है एकदम से आप लगाते हो तो। एंड मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी अपने हाथों से। That's it. तो ये है मेरा पूरा मेकअप जो मैं आपके साथ रेगुलरली आती हूँ एंड वही मेरी वीडियोज में आपको दिखती है। एक्स्ट्रा स्टेप सिर्फ लिपस्टिक चेंज होता है एंड मेरा लिप जो चीक कलर है वो चेंज होता है। समटाइम मैं पिंक लगा लेती हूँ, समटाइम रेड लगा लेती हूँ, समटाइम कॉलर लगा लेती हूँ, समटाइम ऑरेंज लगा लेती हूँ, जो भी मेरे ड्रेस के साथ मैचअप कर रहा होता है। एंड अदर देन दैट यही सारी चीज़ें होती हैं। एक्स्ट्रा स्टेप में अगर आएगा तो मस्कारा मैं लगा लेती हूँ, वो भी मैं रेगुलरली नहीं लगाती हूँ वाटरप्रूफ, क्योंकि आई लैशेज बहुत ज़्यादा झड़ती हैं उसकी वजह से। बस यही था मेरा, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं सारी जो है प्रोडक्ट्स है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी आप लोगों की सहूलियत के लिए, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड कौन सी आपकी फेवरेट वीडियोस हैं, अगर आप में से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो वो भी मैं पूरी करूंगी, प्लीज़ मुझे कॉमेंट के थ्रू बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, बाय बाय।